आज हम आनंद में हैं और अमूल के बाहर खड़े हुए हैं। अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आप भी देख सकते हैं अमूल का कोला है, अमूल का आटा, ये अमूल की ब्रेड, अमूल का टमाटो केचप भी होता है। एक स्पेशल चीज है जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे, लाइव ढोकला। ये तैयार है अब लाइव ढोकला। इस लड़की को तो आप पहचानते ही होंगे, ये पहचान की मोहताज नहीं है। ये एक प्रोडक्ट पर बनी लड़की है, जो प्रोडक्ट है अमूल। आज हम आनंद में हैं और अमूल के बाहर खड़े हुए हैं। अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम अंदर नहीं जा पाए हैं, हमें परमिशन नहीं मिली है, कुछ VIP प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, तो हमने सोचा हम आपको बाहर से अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं जो सिर्फ यहाँ ही मिलते हैं, आपको बाहर कहीं भी नहीं मिलेंगे। हमें आपको पता है कि अमूल मिल्क और बटर और चॉकलेट्स ही बनाता है, बट यहाँ पर ऐसे कुछ कई प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे आपके शहरों में नहीं मिलते हैं, तो आइए जानते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में। मंच की मंडली मौजूद है अमूल के फूड लैंड के बाहर। यहाँ हम आपको कई प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे अमूल के। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक अमूल का कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपको खाने के सारे सामान मिलेंगे। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका आपने कभी स्वाद भी नहीं चखा, ये आपके शहरों में नहीं मिलते, आपने शायद ही कभी सुना या देखा भी होगा। आप जैसे देख सकते हैं ये स्टोर है, सामने सीधे आपको दिखेगी अमूल की ब्रेड। आपने अमूल की ब्रेड के बारे में भी कभी सुना था, ब्रेड्स आती हैं अदर कंपनीज़ की आती हैं, हमारे आपके घर अलग अलग कंपनीज़ की आती हैं, लेकिन अमूल का ब्रेड आपने नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ सामने अमूल का ब्रेड भी है, अलग अलग तरीके के जैम्स एंड कई प्रोडक्ट्स हैं जो अमूल और भी बनाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं। इसके बाद आप ये देखिए टमाटो केचप, अमूल का टमाटो केचप भी होता है। आपने कभी सुना था कि अमूल का टमाटो केचप भी है, आपके सामने रखा हुआ है, और अमूल मेयोनीज भी बनाता है, आप देख सकते हैं सामने आपके मौजूद है। यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स देख के मैं भी हैरत में हूँ कि क्या अमूल ये सब भी बना सकता है। अमूल ने अपना एक तरह का कॉम्प्लेक्स बना रखा है, फूड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे खाने की तरह तरह के आइटम्स हैं और जो लाजवाब और लजीज हैं खाने में भी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर एक काउंटर है जिससे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स आप इजीली परचेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ ही मिलते हैं। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे फ्रिज में लगे हुए हैं कई ड्रिंक इनके अमूल प्रोडक्ट्स के, लेकिन आपने कोका कोला पिया है, पेप्सी पिया है, यहाँ पे अमूल का भी कोला आता है। हम आपको लेकर भी दिखाते हैं। भाई एक अमूल का कोला देंगे आप? कोला, हाँ देखिए अभी हम भी एक बार चेक करेंगे। ये प्योर इंडियन, इंडियन मेड है, और इसकी एमआरपी मुझे ढूंढने पड़ेगी, 35। बहुत इजी है, और आप भी देख सकते हैं अमूल का कोला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं केचप के साथ साथ आटा भी है, अमूल का आटा। अदर कंपनीज़ के भी आटे देखते होंगे, लेकिन आप देखिए आप अमूल का आटा, जो अपने में ही एक हैरत में डालने वाली चीज़ें हैं। सामने भी कई ब्रांड्स हैं, चीज़ एंड ऑल, ये सब भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे अमूल का ये मिल्क का काउंटर है, यहाँ से आपको मिल्क ईजिली परचेज कर सकते हैं। हमारे पीछे है अमूल का फूड लैंड, एक फाइन रेस्टोरेंट है, बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। यहाँ लोग आते हैं आराम से अपना, अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स और भी कई तरीके के यहाँ पे आप खाने के लिए भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। और ये आप देख सकते हैं ये है अमूल का आइसक्रीम कॉर्नर, इसके साथ ही यहाँ पे तरह तरह की आइसक्रीम्स भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको भेलपूरी एंड ऑल सब मिलता है। एक स्पेशल चीज़ है जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे, लाइव ढोकला। आपने कभी लाइव ढोकला के बारे में नहीं सुना होगा, ये अमूल का लाइव ढोकला है। इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे, ये कैसे बनता है, ये क्या होता है लाइव ढोकला? ये राइस का आटा और उड़द दाल के बनता है ढोकला। तो ये आप यहीं तैयार करते हैं? हाँ, अंदर किचन में ही बनाते हैं पेस्ट और ओवन में रखते हैं सर। तो ये बताइए कि ये बाकी ढोकलों से ये ढोकले में क्या फ़र्क है? उसमें ऑयल आता है, सोडा डालते हैं, इधर बनाते हैं लाइव। अंदर पहले बना के नहीं रखते हम, इधर ही बनाते हैं।
आप हमें दिखा सकते हैं उसमें क्या होता है, कैसे होता है? अब देखिए हम एक बार चेक करते हैं क्या है ये। ओवन से डायरेक्ट ये निकाल के अभी हमें प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह ये ओवन में रखते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये निकाल के इसको क्या कैसे करेंगे इसका मुझे भी नहीं नॉलेज है। खैर ये एक ट्री है। अब इसमें अच्छा आप इसको, और ये दो तरह के हैं क्या? जैसे अब इसमें क्या क्या होगा? इसमें ऑयल डालेंगे हम और उसको कटिंग करेंगे, उसके साथ दो चटनी आती है सर। अच्छा ये ऑयल है? हाँ ऑयल है। तो इस ऑयल का क्या फ़र्क है, मतलब इससे टेस्ट आता है? इससे टेस्ट आता है। अच्छा अब इसके बारे में ये बताइए कि इसको खाने का कुछ स्पेशल तरीका है? हाँ दोनों चटनी के साथ खा सकते हैं आप। अच्छा पीसेस में क्यों करते हैं? इसको पीसेस में निकालते हैं आप और एक साथ फिर क्यों स्टार्ट करते हैं? जैसे बाकी ढोकले पीसेस में ही बनते हैं? हाँ पीसेस में ही बनते हैं। ये येलो एंड वाइट का डिफरेंस क्या है? उसमें हल्दी की पेस्ट आती है। और ये वाइट वाले में ऐसे सिंपल है। अच्छा इन दोनों को एक साथ मिला के खाया? हाँ। अच्छा इस तरह आप इनके पीसेस करेंगे उसके बाद निकाल के देंगे? हाँ। तो ये रेसिपी आपकी यहाँ की है या की और है। भी कई जगह मिलती है? नहीं इधर की ही है। ये सिर्फ अमूल में मिलती है? ओके तो इसके लिए आप लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती होगी? इसके साथ आप क्या कुछ चटनी या मिर्च, जैसे नॉर्मली तो मिर्च ही आता है हमारे साइड पे भी, तो यहाँ पे आप इसके साथ क्या प्रोवाइड करते हैं? दो चटनी आती है, एक गार्लिक की और एक धनिया की। ओके तो गार्लिक एंड धनिया। तो ये तैयार है अब लाइव ढोकला, इसको हम चटनी भी देंगे। इस चटनी के साथ खाना होता है, बड़ा ही डिफरेंट है और इसका वाइट एंड येलो कलर भी बहुत डिफरेंट है। इसमें चीज वाला भी आता है सर। इस पे चीज़ एक्स्ट्रा डालते हैं? हाँ ऊपर छिलके देते हैं हम। ओके थैंक यू। तो आपने देखा ये है लाइव ढोकला और ये है चटनी। अब मंच की मंडली अगले पड़ाव पर पहुँचेगी, आपसे नए आइटम से रूबरू कराएगी। तब तक देखते रहिए मंच और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।